गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज राशि एंड यह हमारे द बजट फैशन लेटेस्ट लाइफ अपडेट्स और पर्सनल केयर के बारे में। सो आज की वीडियो में मैं स्टाइल करने वाली हूँ स्वेटर ड्रेस को, ये जो मैंने पहनी हुई। सो इस वीडियो में मैंने दिखाया इस स्वेटर ड्रेस को स्टाइल करने के मैक्सिमम वेज जितने मेरे पास अवेलेबल थे। इसके साथ में बताती जाऊँगी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी कि आप जैसे जैसे लुक दिखाऊंगी इसके अलावा भी आपके पास ये नहीं है तब किसके साथ उसको स्टाइल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी स्टाइलिंग वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रीयूज वाली वीडियोस देखने के लिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपनी ड्रेस। ये मेरी बॉडीकॉन ड्रेस है जिसमें हाई नेक दिया हुआ है एंड ये नी से नीचे वाली लेंथ की, क्योंकि ड्रेस का टाइप एंड लेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उस ड्रेस की स्टाइलिंग में। सो नाउ आप देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। फॉर द फर्स्ट लुक मैंने यहाँ पे यूज़ की है वाइट बेल्ट एंड इसमें मैं स्वेटर को ऐसे थोड़ा सा लूज फिटिंग दे रही हूँ इसको स्कर्ट और टॉप का लुक देने के लिए। एंड इसको मैंने पेयर करा है न्यूड बूट्स एंड न्यूड स्टॉकिंग्स के साथ। यहाँ पे मैं अपने इयररिंग लॉन्ग लिए हैं, वाइट कलर के इयररिंग लिए हैं जो मेरे बेल्ट से मैच करते हैं एंड हेयर को ऐसे टाई अप किया है इसको एक कम्प्लीट लुक देने के लिए। एंड यहाँ पे मुझको सडनली ध्यान आया कि इसकी जो लेंथ हो गई है चेंज हो गई है ड्रेस की, तो उसको मैं बूट्स के साथ भी पेयर कर सकती हूँ। सो नाउ यहाँ पर मैंने वो वाले बूट्स की जगह लॉन्ग नी लेंथ बूट्स ली हैं एंड इसके मैंने वाइट बेल्ट की जगह ब्राउन बेल्ट कर दिया जस्ट बूट्स को मैचअप करने के लिए। तो आप दोनों में से कोई भी लुक ट्राई कर, दोनों में से कोई भी एक लुक कैरी कर सकते हैं अपनी बूट्स की अवेलेबिलिटी एंड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फॉर द नेक्स्ट लुक आप अपनी ड्रेस के साथ कलरफुल एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं। लाइक एकदम सिंपल ड्रेस है, मैंने इसके साथ ग्रीन कलर की एक लेयर्ड नेकलेस ऐड करा है एंड इसको पेयर करा है ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड ब्लैक बूट्स के साथ। सो सिमिलरली आप भी अपनी यू नो किसी ड्रेस को पेयर कर सकते हैं लेयर्ड नेकलेस के साथ। सो नेक्स्ट लुक है मेरा पर्सनली फेवरेट लुक। इसको मैंने स्टाइल किया है लॉन्ग श्रग के साथ। ये जो भी आप अपना ड्रेस के साथ श्रग मैच करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो श्रग होगा वो उसकी ड्रेस का सेम लेंथ का होगा एंड ड्रेसेस के साथ जो हाफ बन होता है बहुत ज़्यादा कूल और कैजुअल लुक देता है। तो इसको मैंने यहाँ पे किया है हाफ मेसी बन एंड इसको पेयर किया है स्टॉकिंग्स न्यूड कलर के एंड न्यूड फुटवेयर के साथ एंड ब्लू कलर का जो श्रग है वो उसके हाईनेक के कलर के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है तो कंट्रास्ट में भी जा रहा है एंड इसको एक कोजी और स्टाइलिश लुक दे रहा है। एंड अगर आपके पास किसी और कलर का श्रग, लाइक यहाँ पे मेरे पास एक और श्रग था सेम लेंथ का, ऑलमोस्ट सेम लेंथ का, क्योंकि उसमें जो नीचे लटकी हुई है वो सेम ही होगी, तो मैंने उसको भी पेयर करा इसके साथ सिमिलर वे में। एंड जितने ज़्यादा आपके पास श्रग हैं उतने ज़्यादा आपके लुक्स क्रिएट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो श्रग्स हों वो सेम लेंथ के हों जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट लुक देगा। प्लस आपकी बॉडी भी अगर पियर शेप्ड है तो इस बॉडी टाइप के लिए ये वाला लुक बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है, क्योंकि ये जो एक्सेसिव एरिया होता है थाई एरिया उसको हाइड कर लेता है एंड आपको एक स्लिम ट्रिम लुक देता है। फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने इसको स्टाइल किया है ओवर साइज स्वेटर के साथ एंड यू कैन सी अगर आपका यू नो हाई नेक कोई ड्रेस है तो आप उसको भी ऐसे राउंड नेक स्वेटर के साथ स्टाइल कर सकते हैं। प्लस अगर आपका राउंड नेक ड्रेस है तो उसको भी आप राउंड नेक स्वेटर के साथ स्टाइल कर सकते हैं, बस हाई नेक के ऊपर हाई नेक स्वेटर के साथ स्टाइल नहीं कर सकते, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड यहाँ पर मैंने इसको स्वेटर को बेल्ट की हेल्प से टक इन कर लिया इसको एक टॉप का लुक देने के लिए एंड ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने ना ए लाइन स्कर्ट पहनी हुई है एंड इसको मैंने पेयर किया है सेम ईयरिंग के साथ एंड पोनीटेल के साथ। प्लस इसमें आपको कैसे आउटफिट के साथ कैसे हेयर स्टाइल करने चाहिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो करने वाली हूँ, सो उसको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड नाउ हेयर वी आर रेडी विद अवर स्टाइलिश विंटर लुक। फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने इसको स्टाइल किया है एक ओवर कोट के साथ। यहाँ पे मैंने अपना लॉन्ग कोट पहना है एंड ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पहनी है एंड ब्लैक बूट्स पहना है। मैं जब भी ब्लैक बूट्स पहनती हूँ उसको मैं ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ ही स्टाइल करती हूँ, क्योंकि वो एक ज़्यादा परफेक्ट लुक देता है मेरे ओपिनियन में। एंड इसको मैंने लिया है हाई पोनीटेल एंड अगेन हेयर स्टाइल को लेकर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सो फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने इसको स्टाइल किया क्रॉप्ड जैकेट के साथ। ये बाइकर काइंड ऑफ जैकेट है, इसको मैंने मीशो से लिया था एंड इसकी मैंने हॉल वीडियो में दिखाया था, अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसको भी मैंने ब्लैक जैकेट है तो उसको पेयर किया ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड ब्लैक बूट के साथ। ये काफ़ी कूल एंड आउटिंग टाइप ऑफ लुक देता है, अगर आपको एक कैजुअल सा लुक चाहिए ड्रेस के साथ तो आप इस लुक को ट्राई कर सकते हैं, प्लस आपको विंटर्स में सर्दी लगने से भी बचाता है। इवन ये सारे ही लुक्स जितने मैंने दिखाए सारे विंटर अप्रोप्रिएट हैं। प्लस अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो आप उसकी जगह एक स्वेटशर्ट ले सकते हैं, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ लुक देगी।
एंड अगर आपके पास एक वोलन ड्रेस नहीं है तो उसके नीचे आप यू नो सेम काइंड ऑफ समर ड्रेसेस जिसको आप विंटर्स में स्टाइल करना चाह रहे हैं तो उसके नीचे एक स्लीवलेस वार्मर आती है, आप वो भी ले सकते हैं। मैं वार्मर के ऊपर वीडियो मस्ट हैव वाली वीडियो कर चुकी हूँ जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से वो वार्मर भी चेक कर सकते हैं एंड उसको उसके नीचे पहन के सिमिलर वे में स्टाइल कर सकते हैं। सो एट लास्ट इस ड्रेस को मैं स्टाइल की हाफ स्लीव कार्डिगन के साथ, इवन आप इस ड्रेस को फुल स्लीव कार्डिगन के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो कर चुकी हूँ कार्डिगन की स्टाइलिंग की वीडियो में, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड सेम इसको मैंने ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड ब्लैक बूट्स के साथ स्टाइल किया है जस्ट कार्डिगन के कलर को पेयर अप करने के लिए। एंड सिमिलरली आप भी अपने यू नो ड्रेस को इतने सारे वेज में स्टाइल कर सकते हैं जस्ट सारी एक दो चीज़ें चेंज करके, लाइक यहाँ पे मैंने जैसे स्टॉकिंग्स बूट्स यही सब चेंज कर रहे हैं बार बार एंड बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम रखी हैं। सो यदि हमारी आज की वीडियो आई होप ये आपको पसंद आई होगी, इफ़ यस तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस के लिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।